हम पैटर्न के बारे में सीखेंगे कि पैटर्न क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न के नाम जानेंगे। काइंड्स ऑफ पैटर्न, सिंपल पैटर्न, सिंपल पैटर्न को साधारण पैटर्न बोलते हैं। नंबर दो, इंडिविजुअल पैटर्न, व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब जैसे कि एक ही बंदे का नाप लेके एक ही बंदे का बनाया जाए, इंडिविजुअल पैटर्न होता है। नंबर तीन, फाइनल पैटर्न, फाइनल पैटर्न मतलब दोष रहित बोल सकते हैं उसको। या निर्णायक पैटर्न, निर्णायक पैटर्न। नंबर चार, ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न होते हैं, इसको ब्लॉक पैटर्न बोलते हैं। नंबर पांच, रेडीमेड रेडीमेड पैटर्न, ये बने बनाए होते हैं। नंबर सिक्स पे है ग्रेडिंग पैटर्न, ग्रेडिड पैटर्न। अब जो ग्रेडिड पैटर्न है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि ग्रेडिड पैटर्न होता क्या है, कैसे बनता है, इससे किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक पैटर्न का खाका बना के आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से होती है। कोई भी जो हम पैटर्न बनाते हैं तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अनुसार ही बनाते हैं। ये जो हमारा सेकंड है इंडिविजुअल व्यक्तिगत पैटर्न जो है वो हम किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए किसी भी इंसान का व्यक्तिगत नाप लेते हैं और उसका व्यक्तिगत पैटर्न ही बना के हम कोई भी गारमेंट तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर जब हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट में ही नाप लिया जाता है, जैसे कि 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, इस तरीके से दो दो इंच का गैप होके ही पैटर्न तैयार होते हैं या स्टैंडर्ड मेजरमेंट में जो भी गारमेंट तैयार होता है वो होता है। ग्रेडिंग के लिए होता क्या है, जिस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसी तरीके से पैटर्न बनता है। ड्राफ्टिंग करने के बाद ही हमारा जो है पैटर्न बनता है। अब मेन क्या चीज है कि एक पैटर्न मान लीजिए हमारे पास 40 इंच का है और उसे हमें कम करना है। ग्रेडिंग का यही फायदा है कि कम ज्यादा ज्यादा कम किया जा सकता है। एक ही पैटर्न से बिना हिलाए दो दो इंच का गैप देकर हम ग्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 28 इंच का या 30 इंच का पैटर्न है तो उससे हमें 30 इंच से 28 करना है,
या 30 इंच से 32 करना है, कैसे करना है। मान लीजिए 40 इंच का पैटर्न है, उससे हमें कम करना है तो किस प्रकार से करना है वो हमें यहां पे देखना है। ये हमारी ग्रेडिंग कहलाती है। ये हमने लंबाई का निशान लगाया इस तरीके से, सारे निशान लगाने के बाद यहां पर मान लीजिए ये हमारा एक पैटर्न है, सारे जो है ड्राफ्ट बनाने हैं, जो पैटर्न करने हैं, बनाने हैं, इसी में बनाने हैं। एक साइज से दूसरे साइज का हम किस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये ज्यादा से कम की ग्रेडिंग कैसे करते हैं, एक पैटर्न से ही हम सेफ्टी पिन की मदद से कितने साइज तक के हम बना सकते हैं यहां पर। अभी यहां पे मैं फ्री हैंड ऐसे ही करके आपको दिखा रही हूं, बाकी पैटर्न तो हम जैसे ड्राफ्टिंग करते हैं और ड्राफ्टिंग करने के बाद हम उसकी कटिंग करते हैं, वो पैटर्न हमारा परफेक्ट होता है, उसी के अनुसार ही हम ग्रेडिंग करते हैं किसी भी कपड़े पर करनी होती है। तो इससे क्या है, आसानी से काम जल्दी हो जाता है। कुछ साइज ऐसे होते हैं जिसमें कि आर्महोल बड़ा होता है तो उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तीरा बड़ा होता है तो उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बाकी सब इस तरीके से हमारी ग्रेडिंग होती है। ये यहां से किस किस साइज का है ये आपको मान लीजिए ये हमारा 32 का है, ये 34 है, 36 है, 38 है और ये 40 है। इसी तरीके से हम जो है ग्रेडिंग करते हैं जब किसी भी पैटर्न को तैयार करने के बाद हमें कोई कम ज्यादा या ज्यादा से कम करना है तो एक पैटर्न से ही हम दो दो इंच का गैप रख के इस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं। आज हमने इस वीडियो में कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं और ग्रेडिंग कैसे की जाती है उसके बारे में सीखा।